वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं रिंकू पहाड़ी एक बार फिर आपके सामने। और हम इस टाइम पहाड़ में हैं। खूबसूरती देखिए आप पीछे की पहाड़ की। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अभी धूप आई थी, चलता रहता है। जो मैंने टाइम लैप्स लिया था स्टार्टिंग में, वो उस पहाड़ का था। मैं आपको दिखाऊंगा, उस सामने पहाड़ है। ये देखिए हमारी चाची जी यहाँ पर है। ये देखिए हमारे पहाड़ की महिलाएं कहाँ कहाँ जाती है बरसात के टाइम पे भी, आप देख सकते हो। ये हमारी चाची है। और चाची जी आप क्या काट रहे हो? चाची जी, ओ चाची जी, हाँ। आप क्या काट रहे हो? अरे मैं घास काट रही। घास? इतने ठंड में आपकी हिम्मत कैसे आती है? हाँ चाची, अरे कोई ठंडा ठंडा नहीं है, आप इतनी बरसात में कैसे हिम्मत कर लेते हो ये सब कुछ? घास काटने का? हाँ। अरे गाय भैंसों के खातिर हमको ठंड में जाना पड़ता है, अपनी जान प्यारी नहीं है, गाय भैंसों की जान प्यारी है। तो जब मैं पहले ब्लॉग बनाता था तो उससे पहले मतलब मैं एक जगह जहाँ पे हमारा जहाँ पुणे में जहाँ पे रहता था मैं, तो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था अल हिफाजत करके, तो उसका मैंने कुछ वीडियो शूट किया था। उस टाइम मुझे इतना मतलब पता भी नहीं था कि मैं ब्लॉगिंग में इतना मेरा इंटरेस्ट होगा, वन हैंड कैमरे से मैं शूट करूँगा और ये सब। उस टाइम पे मैंने स्टार्टिंग में गांव का कुछ वीडियो डाला था जो आपने देखा भी होगा। देहरादून का मैंने प्रॉपर वहाँ पे जाके शूटिंग करके वहाँ पे वीडियो अपलोड किया था, एडिट किया था। और उसके बाद मैं फिर पुणे शिफ्ट हुआ था और वहाँ पे मैंने एक रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया था। उस टाइम 2017 की बात होगी, आज से 2 साल पहले रेस्टोरेंट के लिए वीडियो बनाया था। तो जब अभी लास्ट टाइम मैं पुणे में था, वहाँ पर मैंने वो जब वीडियो उनके टीवी स्क्रीन पर देखा था, उन्होंने मैं वहाँ पे एक्चुअली ऑर्डर कर रहा था कुछ शोरमा वगैरह, तो सामने टीवी स्क्रीन पे उन्होंने वो वीडियो प्ले किया था जो मैंने उनके लिए बनाया था। तो मतलब जो आजू बाजू के लोग थे वो देखने बैठ गए कि यार यही ये बंदा है जिसने वीडियो बनाया है। तो मतलब एक 8-10 लोग मुझे देख रहे हैं कि यार ये यही बंदा है क्या, ऐसे मतलब पूछ रहे आपस में। तो एक मतलब मुझे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग वहाँ पे आई। मतलब मैं उतना बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं अभी, या फिर कह सकते हो कि मतलब उतना बड़ा स्टार हूँ नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो मैंने उनके लिए काम किया था, उन्होंने मुझे कोई मतलब पैसा नहीं दिया या फिर मैंने उनसे पैसा नहीं लिया था, जस्ट एक फ्रेंडली नेचर की वजह से मैंने उनका वीडियो बनाया था उनके रेस्टोरेंट के लिए। सो जो कोई मुझे कोई खास लगा नहीं था, इसलिए मैंने अपने जो चैनल था उससे हटा दिया था, क्योंकि मेरा एक पिट स्टॉप करके पहले चैनल था जिसमें मैंने प्लानिंग किया था कि मैं रेस्टोरेंट का कुछ वीडियोज़ बनाऊँ और अपलोड करूँ, ऐसा कुछ सोचा था मैंने जो हो नहीं पाया था। और स्टार्टिंग मैंने उन्हीं के रेस्टोरेंट से किया था उनका वीडियो बना के। तो जब वो हाँ स्क्रीन पे वो प्ले हो रहा था तो वो मतलब 8-10 लोग मुझे देख रहे थे और मैं अपना शोरमा खा रहा था वहाँ पे, तो मुझे एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि यार मतलब सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं कि यार मतलब मैं कितना बड़ा स्टार हूँ। तो मतलब वो फील जो होता है ना, मतलब लाइफ में बहुत कम मिलता है। जो उनका रिएक्शन था उस टाइम पे, वो शायद मेरे लिए बहुत प्राउड फील था और बहुत कम मिलता है लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस आपको। मैंने अपने दोस्त को बोला था उस टाइम कि यार भाई देख तेरा भाई यहाँ सेलिब्रिटी बन गया है, ऐसी मजाक में बोला था। तो खैर जो भी हो लाइफ में आपको ऐसी मतलब जो भी हो, देखो ये यूट्यूब की वजह से हुआ है। यूट्यूब पे अपना मैं कंटेंट डालता हूँ, अपना वीडियोस डालता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत मेरा भी खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता रहता है लाइफ में। एक मतलब खुद मुझे जानने के लिए मिलता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या बेस्ट दे सकता हूँ अपने जो सब्सक्राइबर है, यूज़र है। और बस इतना ही यार, पुलवामा में जो 40 हमारे जवान शहीद हुए हैं CRPF के, मेरी तरफ से उनको नमन है और भगवान उनके परिवारों को संभाले और उनकी आत्मा को शांति दे। और देश दुख में है अभी। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यार अगर चैनल आप देखते हो कंटिन्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन थोकिए, और थैंक यू सो मच और जय हिंद। भारतीय रोड की हालत, इतने BSL वाले यहाँ पे खड्डे कर रखे हैं और ये रोड का आधा हिस्सा यहाँ पे पूरा क्षतिग्रस्त है। तो गाड़ियाँ यहाँ पे अगर आती भी है तो शायद वो उस तरफ गिर सकती है, क्योंकि रोड का इधर आधा ऑलमोस्ट हिस्सा बहुत बेकार है। तो मतलब सरकार ने जितना खर्चा रोड पे नहीं किया है उससे कई ज़्यादा खर्चा BSL वालों ने खड्डा खोदने में लगा दिया है। आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि कैसा खड्डा किया है और कैसी हालत है रोड की, कितनी बेकार हालत है रोड की, पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। ये देखिए रोड की हालत आप देख सकते हो, ये रोड है, इतनी सी रोड है जो मेरे ख्याल से गाड़ी भी फिट नहीं आ सकती यहाँ पे। और ये हालत ऐसी है कि इतना बड़ा खड्डा यहाँ पे कर रखा है, पता नहीं ये खड्डा कब तक भरेगा उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और आप ये देखिए